भाषा है, भाषा सीखने के लिए शिविर नहीं लगा, वर्कशॉप नहीं लगा। और वर्कशॉप में जाकर के नहीं वो लैंग्वेज नहीं आ पाते, क्योंकि लैंग्वेज ये डिसिप्लिन नहीं है, कल्चर है, तहजीब ये सिखाई नहीं जाती है, तहजीब ये कल्चर से आती है। और कल्चर को कोई एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन के लिए एजुकेशन है। जिंदगी जीने की कला तुमको इंफॉर्मेशन से कभी सिखाई नहीं जा सकती, वो तो परिवार ने सिखाई तो सीख गए, और परिवार ने नहीं सिखाई तो जिंदगी भर बिताए गए। बड़ों का आदर करना, ये परिवार आपको सिखा दे, और कैसा सिखाता बोल बेटे, अच्छा सामने देखता, सामने देखता। आप कितने मेरी बात से सहमत हो पाओगे मुझे पता नहीं, लेकिन जिस समय मैं 2010 में चेन्नई गया था पहली बार, चेन्नई के आबो हवा में एक एक्सीडेंट बहुत पेपर में चर्चा में था कि 12 साल के बच्चे ने अपने टीचर को, अपने टीचर का मर्डर कर दिया स्कूल में। यह नारायण और बहुत चर्चा में था, और मेरा उसके विषय में बिल्कुल डिफरेंट होते रहता है। उस बच्चे ने घर में अपनी मां को बाप से पिटता हुआ देखा होगा, तभी वो एक कदम उठा पाया। यदि उसने घर में बाप को ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए देखा ना होता है, तो कितने ही टीवी देख रहे। ये आप लोगों का सोच है कि लोग टीवी से सीखते हैं, बच्चा जो भी ग्रहण करता है अपने मां बाप से ग्रहण करता है। आप भी टीवी देखते हैं, आपके भाई ने सुना सकता है घर के अंदर भाड़े से देख रहे, बाहर हो देखा है, आउटर में भाड़े से बहुत देखा है, पर्दे पर बहुत देखा है, लेकिन घर में नहीं देखा है। घर में जो होता है उसको हम फील करते हैं, और बाहर जो होता है उसको हम कंसीव करते हैं। और फिलिंग से कैरेक्टर लगता है, सीन से कैरेक्टर नहीं रखता। व्याख्यान आप सुन सकते हो, लेकिन व्याख्यान को आप महसूस नहीं कर सकते, और इसलिए मेरे को बिल्कुल क्लियर है ओपिनियन कि व्याख्यान से किसी का कैरेक्टर का मैं निर्माण नहीं कर सकता। मैं व्याख्यान देता हूं, व्याख्यान लोग सुनते थे, लेकिन इस बात को बिल्कुल पक्का जानता हूं, विदाउट हीलिंग नो हीलिंग, हीलिंग होगी तो ही हीलिंग होगी, विदाउट हीलिंग हीलिंग होती नहीं है। और आदमी फील नहीं कर सकता है तो केवल रिलेशन को ही फील कर सकता है, कनेक्शन को फील नहीं कर सकता। इतने सारे जो वैल्यू आपके पास है, वो आपने कौन से पर्सन की डेवलपमेंट के आपने जा करके अचीव करी, लेकिन ध्यान में निकल जा रहा है। पर आज सबसे बड़ा खतरा कोई है, सबसे बड़ा खतरा कोई है, भगवान ऋषभदेव के समय से चराई हमारी फैमिली का इंस्टीट्यूशन
कुटुंब संस्था आज टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, टूट चुकी है। और परिवार टूटने के बाद आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इंसान जिंदा रह नहीं सकता। कम्यून के माध्यम से आदमी बन सकती है, कम्यून से माध्यम से कम्युनिटी भी बन सकती है, नेशनल बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन नहीं होता है। और आए दिन हम पेपर में खबर पढ़ते रहते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, और वहां से लोग निकल जा रहे, कोई रुकने के लिए तैयार है। संवेदना समाप्त हो गई। और जैसे जैसे संवेदना बढ़ती जा रही है, संवेदना बढ़ने के बाद तुम धर्म स्थान बना सकते हो, लेकिन आदमी को धार्मिक नहीं बना सकते। बरियास का बिल्कुल खुला खुला नंगा सच है कि आज हमारे स्थानीय का हमारे मंदिर पहले से भव्य और दिव्य हो गए, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे स्थानक हो, चाहे मंदिर हो, ये पहले से आराम से चलो। लेकिन इतने सारे मंदिर बनने के बावजूद संवेदनशीलता कोमा में पहुंच गई। हम कब कह रहे थे तो कोमा में क्यों, कोमा में संवेदनशीलता को जिंदा रखेंगे तो ही धर्म जिंदा रहेगा। नो संवेदनशीलता, नो सेंसिटिविटी, नो रिलीजियस। सेंसिटिविटी है तो धर्म है। जब तक आप दूसरे का दुख महसूस नहीं कर सकते, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है लेकिन दुख को महसूस नहीं, दुख को महसूस को करता है तो केवल फैमिली में महसूस करता है। और ये आज बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती फैमिली वायलेंस रोकने के लिए भारत में कानून बनाना पड़ेगा। ये हमारे सारे धार्मिक जगत का सम्मान ही अपमान है। ये सारे धर्म गुरुओं के धर्म मंदिरों पर लगा हुआ सबसे बड़ा करारा हमला है कि फैमिली वायलेंस रोकने के लिए कानून बनाना पड़े। मां बाप को बच्चे से सेवा लेने के लिए कानून बनाना पड़े। रिलीजियस और कानून से आप पैसे दिला सकते हो, सर्विस नर्सिंग हो जाए, नर्स किराए से ला करके भाड़े से ला करके आप रह लोगे, लेकिन बच्चे को नर्स नहीं चाहिए, माँ चाहिए। और बुजुर्ग को नर्स नहीं चाहिए, बुजुर्ग को बेटा चाहिए। बचपन में माँ बाप चाहिए और बुढ़ापे में बेटा चाहिए। हम और कोई उसकी पूर्तता नहीं कर सकता।
आप एक दिन में नहीं करेंगे, मेरे से अच्छा वो काम करता है। अरे तो सच्चाई माँ ने कोई नर्सिंग की ट्रेनिंग थोड़ी ली है। नर्स जितने हैं सेल्स के साथ संभाल सकती है माँ उतना, लेकिन फिर भी माँ का जो वास्तव्य वो नर्स है, वो ऊष्मा कहां से आया? मेरे यहाँ बच्चे फुल फिगर में, मैं बच्चों को कभी रोकता नहीं और मेरे धर्म सभा में बच्चे मुझे कभी डिस्टर्ब करते नहीं। मैं डिस्टर्ब नहीं होता, आप डिस्टर्ब होते अपने बच्चों से पकाने के लिए। अरे अपनों से डेवलप होना चाहिए कि डिस्टर्ब होना चाहिए? अपना कुछ भी करे तो खुशी मनानी चाहिए कि टॉर्चर होना चाहिए? तो मैं तो मेरा अपना मानता हूँ, इसलिए कुछ भी करे तो मुझे खुशी हो। बाकी स्टेज तो सारे बैठे हैं, एक ही तो घूम रहा है। मैं भी स्टेज हूँ, आप भी स्टेज हूँ। रस्ते में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, रिश्ते में गांठ नहीं होनी चाहिए। रस्ते में गाड़ी तो ट्रैफिक जाम और रिश्ते में गांठ और ऐसी ऐसी गांठें हम बांध करके रखते और अपने हाथों से आप मेरी बात को आराम से अन्वेषण कर सकते हो। आज की जितने तुम्हारे हॉस्पिटल है और उसमें जिन बीमारियों का इलाज होता है वो सारे फैमिली वायरस की बीमारियां है। एक भी बायोलॉजी के वायरस की बीमारी बहुत कम है। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, हेडेक, ये सारे रिलेशन के लिए ही गिफ्ट है। और आप देखिए किसी पशु को उसका ब्लड प्रेशर क्योंकि रिलेशन नहीं है तो टेंशन नहीं है। अब रिलेशन को अपने टेंशन के रूप में ले जाना कि मोटिवेशन के रूप में ले जाना, यही बताता है कि रिलेशन आपके लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। इसलिए पहला वाक्य मैंने आपसे कहा कि मनुष्य जीवन का सौभाग्य है कि उसको परिवार मिला है, पर मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य है कि उसको परिवार के काम से परिवार का तो स्ट्रक्चर मिला, कैरेक्टर नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। स्ट्रक्चर तो है लेकिन फैमिली का कैरेक्टर है। देवर भाभी का रिश्ता ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं कि हंसी मजाक की रिलेशनशिप। देवर भाभी बिना हंसी मजाक करे रह सकते हैं? सांप फेरे लेने वाले परस्पर में हंसी मजाक करे कि नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन भाभी देवर का और देवर भाभी की मजाक करे बिना नहीं। आप द्रौपदी ने आपने देवर की मजाक करी, मजाक के रूप में लेता तो महाभारत
लेकिन मजाक को मजाक नहीं समझा, क्यों नहीं समझा मजाक को मजाक? रिश्ता तो है लेकिन रिश्ते के प्राण नहीं है, और जहां से प्राण चले जाते हैं वहां सड़ना शुरू होता है, सड़ान शुरू हो जाती है, बदवादी शुरू हो जाती है। कितना ही सजा हो, कितना ही सजा हो, कितना ही सजा हो, जब तक जिंदा है तब तक इस बात का, मर जाने के बाद उस बॉडी को जल्दी जल्दी और आपके और हमारी जिंदगी की टेढ़ी है। हम मुर्दा बॉडी को तो रवाना करते हैं लेकिन मुर्दा रिश्तों को ढोने के लिए मजबूर हो गए। और मुर्दे के साथ जीना जितना भयानक है उससे ज्यादा भयानक है मुर्दा रिश्तों के साथ। रिश्ते में प्राण नहीं, रिश्ते में उष्मा नहीं, रिश्ते में कोई फीलिंग नहीं, और फिर भी उसको खोना कितना भयानक है। नो फीलिंग, और जहां फीलिंग नहीं वहां फीलिंग पक्की है। प्राण का सबसे बड़ा जो खतरा है एक ही खतरा फैमिली बच गई तो धर्म बचेगा, फैमिली बच गई तो इंसान बचेगा, और फैमिली नहीं बचेगी तो किसी की बचने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। हम अग्नि को संभालने में लगे हुए, हम सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कंसेप्ट को फॉलो करने लगे हुए, और जैसे जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स होते जा रहे वैसे वैसे फैमिली डैमेज होते जा रही है कि कंसेप्ट चेंज। माय ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, फैमिली नहीं करते थे, माय ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, फैमिली के ड्रीम से मुझे कोई लेना देना अरे सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप कंसेप्ट देखोगे तो यही शिकार होगा। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर फैमिली नहीं है, फैमिली रहेगी कैसे? एक तो आपने ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ध्यान और दूसरे गवर्नमेंट ने दिया हुआ एक शाप, गवर्नमेंट ने दिया लक्ष्य छोटा परिवार सुखी परिवार, हाँ ये गवर्नमेंट का दिया आशा, और ऐसा रह गया ऐसा रह गया ऐसा रह गया। आज से 50 साल पहले कोई बाप अपने बेटे के लिए घर खोजता था तो बड़े परिवार देखता, और आज का बाप अपने बेटे के लिए ठिकाना देखता है सिंगल फैमिली में पहुंचता कि पहले दिमाग में था बड़ा परिवार सुखी परिवार, आज दिमाग में घर कर गया छोटा परिवार सुखी परिवार। अभी तो छोटे परिवार को जाकर के पूछो वो कितने सुखी, सारे बफर सारे बड़े परिवार में सारे बफर सोते थे शॉप ऑफर करते थे, वो दो ही है बीच में कोई बफर बचा ही नहीं, तो फैसिलिटीज तो होना ही बेहतर तो होना ही होना है, साइड का हो गड्डी हार गई इसमें से, दो बंदों के बीच में की गड्डी चले गई तो कितना प्रेम होता है मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही दो व्यक्ति के बीच में के रिश्ते की गति खिसकने के बाद
जिसके कितने दर्दनाक हो गए हैं, इसको अलग से मुझे आपको बताने की जरूरत है। इसलिए मेरे वहां से सचिन वो आए और उनकी एक बात मुझे बहुत याद रखी थी कि महावीर गाथा का कार्यक्रम पुनः में हेड पर पहुंचा था। आखिर दिन का कार्यक्रम 11:30 से 12:30 रात और सतीश भाव ने मुझसे आग्रह किया कि अगर को दर आग्रह तो हो या कमिटमेंट हो कि नहीं बोले आपने भगवान महावीर का जन्म कल्याण का अनुष्ठान कराने के पहले फैमिली प्रोग्राम आपने देखा मैंने कहा सतीश भाव लोग एक घंटा बैठ जाए बहुत है फैमिली प्रोग्राम देना इसका पूरे मासा वो भी नहीं मेरा और उसके बाद वो सभा हुई नहीं केवल पुनः की ही सभा है जो 9 बजे शुरू हुई थी 12:30 बजे की हो गई थी। फैमिली की वैल्यू बहुत जरूरी है समझा सामायिक प्रतिक्रमण सीखने के पहले परिवार के साथ कैसे जीना ये सीखना जरूरी हो गया है। और परिणाम आप आराम से देख सकते हैं मेरा किसी सामायिक करने वाले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी सामायिक करने वाले पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जैसा कोई सामायिक करिए परिवार संभाल कर तो मैं इसमें खुद आगे नहीं आप फैमिली कैरेक्टर के साथ सामायिक कर मैं आपको जानता हूँ लेकिन आपको यह पता है कि सामायिक करने वाले अपने रिलेशन को कितना निभाते हैं आपको पता है और जिस सामायिक को करने वाले अपने रिलेशन को नहीं निभा पाता है वो सामायिक को मैं इच्छा करें तो आप पार्ट को कोई मिले भी नहीं रहा क्या मिली करा अभी आया रतिया देसिया संगैया संगटिया पुरियाविया किनामिया उदरिया टाटा पटम तो अभी नहीं जा रहा यदि ये सारी आप आया रतिया देसिया तुम्हारे रिश्तों में जारी है और तुम केवल कहते हैं कि मैंने चीटी के साथ आ गया करेंगे मैं चीटी के साथ ही आ गया हमको मंजूर है पर आदमी के साथ क्यों नहीं आ गया है